और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ पहुंची है और सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। यूपी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो लखनऊ में यात्रा को लेकर किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी यात्रा को लेकर लखनऊ में? देखिए, आपने राहुल की न्याय यात्रा की बात की है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी तो जैसे जैसे ये यात्रा अलग अलग राज्यों में जाती रही वहाँ के राजनीतिक समीकरण बिगड़ते और बनते रहे। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो जहाँ पर ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का जो चेहरा थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा और उसके बाद एनडीए के हिस्से में चले गए। झारखंड में शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार गिरी, उनको जेल जाना पड़ा। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश की बारी है और उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की यात्रा एंटर हो रही थी उसके कुछ दिन पहले ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए। और दूसरी तरफ आज का जो ताजा जो राजनीतिक उठा पटक है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बात हो रही है राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तो ये न्याय यात्रा अब लखनऊ पहुंच चुकी है और अलग अलग एरियों से होते हुए इसी घंटाघर इलाके में आने वाली है जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक झलक पाने के लिए यहां पर एक भारी भीड़ लगाई गई है, अलर्ट हो चुका है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो बीच में रस्सी लगाई जा रही है ये इस बात का संकेत है कि अब राहुल गांधी कुछ देर में ही यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप इस पट्टी पर देखेंगे ये सभी लोग काफी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का और कोशिश में है कि एक झलक उन्हें राहुल गांधी के देखने को मिले। फिलहाल ये सभी लोग काफी देर से यहाँ पर अपने नेता को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी पट्टी में आप देखेंगे कि जहाँ पर एक बड़ी तादाद जहाँ पर आपको नजर आ रही है ये मंच है जहाँ पर राहुल गांधी अभी कुछ देर बाद ही अभिवादन करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद आज घंटाघर पर नजर आ रही है। ये वही घंटाघर है जहां पर सीएनआरसी को लेकर जब धरने पे कुछ महिलाएं बैठी थी उसके बाद ये और एक दिल्ली का शाहीन बाग काफी चर्चा में रहा था, लेकिन आज एक बार फिर घंटाघर चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी इसी जगह पर आ रहे हैं और यहीं पर आज लोगों को न्याय यात्रा के बारे में और जो मुद्दे हैं जो चुनाव के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उनको लेकर फिलहाल आज अपनी बात रखेंगे। बड़ा दिन है क्योंकि राहुल गांधी एक लंबे समय से न्याय यात्रा पर हैं और आज इनकी न्याय यात्रा यहां पर आएगी और उसके बाद फिर बंथरा इलाके में वो आज स्टे करने वाले हैं। तौकीर, अपनी सियासी जमीन को एक तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है इस पूरी यात्रा के माध्यम से भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भले इसका नाम दिया गया है लेकिन अच्छे संकेत वक्त वक्त पर नहीं आए हैं। जिस तरह से आज अखिलेश यादव को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव रायबरेली में शामिल हो सकते हैं, अमेठी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है और अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितना इस पूरे माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है और उसका असर दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में, यह एक बड़ा सवाल तौकीर लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब लखनऊ में आई तो सभी को अपने वोट बैंक की चिंता हो रही है क्योंकि मुस्लिम जो इश्यूज हैं यानी कि जो मुसलमान जो वोटर है उसके जो इश्यूज हैं उसको राहुल गांधी हमेशा उठाते रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक डर है कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो वोट बैंक खिसक ना जाए। इसी तरह जो एससी वोटर है यानी कि जो दलित वोटर की बात की जाती है उसमें पहले ठिकाना उसका कांग्रेस ही था। मायावती भी इसी बात से लगातार कतराती हैं और ये जानकार भी कहते हैं कि मायावती अगर गठबंधन करती है कांग्रेस के साथ में तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लोकसभा चुनाव के बाद वोट बैंक शिफ्ट हो जाए कांग्रेस में। तो फिलहाल इस तरह के राजनीतिक समीकरण है जिसको लेकर राहुल गांधी फिलहाल अभी अकेले नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए बेहतर यह है कि जब वो अमेठी पहुंचे थे उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनी गई, विधानसभा पहुंची थी पल्लवी पटेल जी। वो उस न्याय यात्रा में शामिल हो चुकी थी। आज साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी संकेत दिए हैं कि वो भी न्याय यात्रा में शामिल होंगे, यानी कि जो भी नेता छिटक रहे हैं चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, उनके लिए अगला ठिकाना राहुल की न्याय यात्रा है यानी कि कांग्रेस है। फिलहाल राहुल गांधी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको अपने साथ रखा जाए ताकि
एक मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में परचम लहराया जा सके, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रदेश है 80 लोकसभा सीटों का। फिलहाल जो समीकरण है वो बता रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत है उसमें अभी कांग्रेस को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चुनाव हुए 2022 के उसका वोट परसेंटेज हो या फिर लोकसभा 2019 का वोट परसेंट हो, जो वहां पर उत्तर प्रदेश में खासकर कांग्रेस काफी पीछे रह गई। लेकिन राहुल की न्याय यात्रा को लेकर ये माना जा रहा है कि पब्लिक एक बार फिर जनता उनके उनको सुनने लगी है, उनको जानने लगी है। ऐसे में लोकसभा 2024 में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता है तो सभी को बड़ा नुकसान है। इस वजह से कई बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि लगातार चर्चा की जा रही है कि इस गठबंधन को बचाया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक और नाम है राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने भी संकेत आज दिए हैं, क्योंकि नरेशोत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज उनसे मिलने प्रतापगढ़ गए थे। वहां से एक नया समीकरण बन रहा है कि राजा भैया भी अब गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। तो फिलहाल कई ऐसे सहयोगी हैं जिनको साथ लेकर तौकीर अभी कहा जा सकता है कि समय अभी काफी बचा हुआ है, और उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है प्रदेश की सियासत में। बहरहाल बड़ा सवाल यही, 2019 में जहां एक सीट पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी, 2024 में क्या बड़ा फेरबदल करती है अखिलेश यादव के साथ आने पर भी या फिर नहीं भी आने पर। बहुत शुक्रिया आपका तौकीर इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, आप देखते रहिए जनता टीवी।